पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोकाकुल है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रणब मुखर्जी बेहतरीन स्कॉलर थे। राजनीतिक समुदाय में हर कोई उनका सम्मान करता था। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी का सोमवार 31 अगस्त को निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके दिमाग में बने खून के थक्के को हटाने के लिए उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से वह वेंटिलेटर पे थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, दिल्ली के RR अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में उनका जन्म हुआ था। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे वक्त तक कांग्रेस से जुड़े रहे प्रणब दा वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति पद पर काबिज रह चुके हैं।